प्रो कबड्डी सीजन 8 में कुल यहाँ पे 78 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहाँ पे टोटल 78 मैचेस कंप्लीट होने के बाद मैं पॉन्स्टेबल को डिटेल में एनालाइज करने वाला हूँ कि आखिर कौन सी टीम के कितने चांसेस है कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है एंड यहाँ पे एंड में बताने वाला हूँ कि कौन सी 6 टीम अभी फिलहाल देखा जाए जो यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई इजिली कर जाएगी। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए साहब सबसे पहले कल के मैच का बात करते हैं। कल का मैच आपको पता है कौन से टीम के बीच में खेला गया था, यू मुंबई एंड बेंगलुरु बुल्स के बीच में खेला गया था एंड जो रिजल्ट पहले मैच में आया था मैच नंबर 1 वैसा ही रिजल्ट मैच नंबर 78 में आया। अगेन यू मुंबई की टीम वन साइडेडली इजिली वो मैच जीत गई जहाँ पे यू मुंबई की टीम 11 पॉइंट से बेंगलुरु बुल्स को हरा दिया। अब ना ही बेंगलुरु को हराया बहुत ज़्यादा दिक्कत में दिया है, बेंगलुरु की टीम अभी भी पॉइंट्स टेबल पे सबसे टॉप पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है बिकॉज उसके जो नीचे वाली टीम्स है वो यहाँ पे अगर बैक टू बैक मैचेस जीतती है तो गाइस यहाँ पे बेंगलुरु की टीम बहुत ही जल्दी पॉइंट्स टेबल पे टॉप 6 से बाहर हो जाने वाली है। तो ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है बेंगलोर के लिए, लेकिन यू मुंबई की टीम ने काफी अच्छा कमबैक किया, पॉइंट्स टेबल पे डायरेक्ट टॉप 4 के अंदर एंटर कर चुकी है। नंबर 4 पे यू मुंबई की टीम 41 पॉइंट के साथ एंटर कर चुकी है। यू मुंबई की टीम के बारे में स्पेशली अलग से बात करेंगे आगे जब पॉइंट्स टेबल को एनालाइज करने वाले, लेकिन जो कल का मैच था वो यहाँ पे यू मुंबई की टीम बहुत अच्छे कमबैक करके जीती है। अब दूसरा पे पॉइंट्स टेबल को एनालाइज कर लेते, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। तो गाइस अभी पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे है बेंगलुरु बुल्स की टीम। दोस्तों बेंगलुरु बुल्स की टीम ने कुल यहाँ पे 15 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, 1 मैच टाइड है एंड इनके पास टोटल 46 पॉइंट्स है। बेंगलुरु बुल्स के अभी 7 मैचेस बचे एंड यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स को अगर प्लेऑफ क्वालिफाई करने है तो गाइस अभी बेंगलुरु बुल्स को अपने बचे हुए 7 मैचेस में से 3 मैचेस जीतने होंगे तभी यहाँ पे बेंगलुरु की टीम इजीली प्लेऑफ क्वालिफाई कर सकती है। अगर 3 मैचेस नहीं जीत पाती है तब यहाँ पे परेशानी काफी ज्यादा आने वाला है एंड यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स का अगला मैच है तमिल थलावा से खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की। तो गाइस नंबर 2 पे है दबंग दिल्ली की टीम। जहाँ दोस्तों दबंग दिल्ली की टीम ने कुल यहाँ पे 13 मैचेस खेले जिसमें से 7 मैच जीती है, 4 मैच हारी है, 2 मैचेस टाइड है एंड इनके पास टोटल 43 पॉइंट्स है। दबंग दिल्ली को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे दबंग दिल्ली को अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 4 मैचेस जीतने होंगे तभी यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम भी इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है एंड यहाँ पे दबंग दिल्ली का अगला मैच है गुजरात जायंट्स के खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की। तो गाइस यहाँ पे नंबर 3 पे है हरियाणा स्टीलर्स की टीम। जहाँ दोस्तों हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने कुल यहाँ पे 14 मैचेस खेले जिसमें से 6 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, 3 मैचेस टाइड है एंड इनके पास टोटल 42 पॉइंट्स है। हरियाणा स्टीलर्स को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने हैं तो गाइस यहां पे हरियाणा स्टीलर्स को अपने बचे हुए 8 मैचेस में से 4 मैचेस जीतने होंगे तभी यहां पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है एंड यहां पे हरियाणा स्टीलर्स के आने वाले मैचेस अभी तक रिवील नहीं हुए। बात की जाए नंबर 4 की तो गाइस यहां पे नंबर 4 पे है यू मुंबई की टीम। जो दोस्तों यू मुंबई की टीम ने कुल यहां पे 13 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, 5 मैचेस टाइड है एंड इनके पास टोटल 41 पॉइंट्स है। यू मुंबई को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने हैं तो गाइस यहां पे यू मुंबई को अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 4 मैचेस जीतने होंगे तभी यहां पे यू मुंबई की टीम भी इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है एंड यहां पे यू मुंबई के अब काफी ज्यादा चांसेस आते हैं कि यहां पे यू मुंबई की टीम टॉप 2 में भी एंड कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की। तो गाइस यहां पे नंबर 5 पे है बंगाल बॉर्डर्स की टीम। जहां दोस्तों बंगाल बॉर्डर्स की टीम ने कुल यहां पे 14 मैचेस खेले जिसमें से 7 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, 1 मैच टाइड है एंड इनके पास टोटल 41 पॉइंट्स है। बंगाल बॉर्डर्स को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो गाइस यहां पे बंगाल वॉरियर्स को अपने बचे हुए 8 मैचेस में से 4 मैचेस जीतने होंगे तभी यहां पे बंगाल वॉरियर्स की टीम भी इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है एंड यहां पे बंगाल वॉरियर्स का अगला मैच है तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की। तो गाइस यहां पे नंबर 6 पे है पटना पायरेट्स की टीम। जहां दोस्तों पटना पायरेट्स की टीम ने कुल यहां पे 11 मैचेस खेले जिसमें से 7 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, 1 मैच टाइड है एंड इनके पास टोटल 40 पॉइंट्स है। पटना पायरेट्स को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो गाइस यहां पे पटना पायरेट्स को अपने बचे हुए 11 मैचेस में से 4 मैचेस जीतने होंगे तभी यहां पे पटना पायरेट्स की टीम भी इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है एंड यहां पे पटना पायरेट्स के आने वाले मैचेस है तमिल थलावास एंड जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की। तो गाइस यहां पे नंबर 7 पे है यूपी योद्धा की टीम। जहां दोस्तों यूपी योद्धा की टीम ने कुल यहां पे 13 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, 3 मैचेस टाइड है एंड इनके पास टोटल 39 पॉइंट्स है। यूपी योद्धा को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो गाइस यहां पे यूपी योद्धा को अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 5 मैचेस जीतने होंगे देन यहां पे यूपी योद्धा की टीम भी इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है एंड यहां पे यूपी योद्धा का अगला मैच है
पुनेरी पल्टन के खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 की, तो गाइस अभी पॉइंट्स टेबल पे नंबर 8 पे है जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम। जहां दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने कुल यहां पे 13 मैचेस खेले, जिसमें से 5 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है एंड इनके पास टोटल 35 पॉइंट्स है। जयपुर पिंक पैंथर्स को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने तो गाइस अभी जयपुर पिंक पैंथर्स को अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 5 मैचेस जीतने होंगे, तब यहां पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम भी इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है। एंड यहां पे जयपुर पिंक पैंथर्स का अगला मैच है पटना पायरेट्स के खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 की, तो गाइस यहां पे नंबर 9 पे है तमिल थलाइवास की टीम। जी हां दोस्तों, तमिल थलाइवास की टीम ने कुल यहां पे 12 मैचेस खेले, जिसमें से 3 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, 6 मैचेस टाइड है एंड इनके पास टोटल 34 पॉइंट्स है। तमिल थलाइवास को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने तो गाइस यहां पे तमिल थलाइवास को अपने बचे हुए 10 मैचेस में से 6 मैचेस जीतने होंगे, देन यहां पे तमिल थलाइवास की टीम भी इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है। एंड यहां पे तमिल थलाइवास के आने वाले मैचेस है पटना पायरेट्स एंड बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 10 की, तो गाइस यहां पे नंबर 10 पे है पुनेरी पल्टन की टीम। जहां दोस्तों पुनेरी पल्टन की टीम ने कुल यहां पे 13 मैचेस खेले, जिसमें से 6 मैच जीती है, 7 मैच हारी है एंड इनके पास टोटल 32 पॉइंट्स है। पुनेरी पल्टन को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना है तो गाइस यहां पे पुनेरी पल्टन को अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 6 मैचेस जीतने होंगे, देन यहां पे पुनेरी पल्टन की टीम भी इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है। एंड यहां पे पुनेरी पल्टन का अगला मैच है यूपी योद्धा के खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 11 की, तो गाइस यहां पे नंबर 11 पे है गुजरात जायंट्स की टीम। जहां दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम ने कुल यहां पे 11 मैचेस खेले, जिसमें से 3 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, 3 मैचेस टाई है एंड इनके पास टोटल 28 पॉइंट्स है। गुजरात जायंट्स को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने तो गाइस यहां पे गुजरात जायंट्स को अपने बचे हुए 11 मैचेस में से 7 मैचेस जीतने होंगे एंड 7 मैचेस जीतते ही गुजरात जायंट्स की टीम भी इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है। एंड यहां पे गुजरात जायंट्स का अगला मैच है दबंग दिल्ली के खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 12 की, तो गाइस यहां पे नंबर 12 पे है तेलुगु टाइटंस की टीम। जहां दोस्तों तेलुगु टाइटंस की टीम ने कुल यहां पे 14 मैचेस खेले, जिसमें से 1 मैच जीती है, 10 मैच हारी है, 3 मैचेस टाई है एंड इनके पास टोटल 22 पॉइंट्स है। तेलुगु टाइटंस को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने तो गाइस यहां पे तेलुगु टाइटंस को अपने बचे हुए 8 मैचेस में से 8 मैचेस जीतने होंगे, देन यहां पे तेलुगु टाइटंस की टीम भी इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है। एंड यहां पे तेलुगु टाइटंस का अगला मैच है बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताएंगे प्रो कबड्डी सीजन 8 के नए पॉइंट्स टेबल में आपकी फेवरेट टीम अभी कौन से पोजीशन पे, कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड बात करते हैं आज के मैच के बारे में, तो गाइस यहां पे आज के दिन भी एक मैच खेला जाएगा जो यहां पे यूपी योद्धा एंड पुनेरी पल्टन के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं यूपी योद्धा की टीम के बारे में, तो गाइस यहां पे यूपी योद्धा की टीम अभी नंबर 7 पे। अगर यहां पे यूपी योद्धा की टीम में मैच जीते तो गाइस यहां पे यूपी योद्धा की टीम जीतते इनके पास टोटल 44 पॉइंट्स हो जाएंगे एंड सभी टीम्स को पछाड़ते हुए यूपी योद्धा की टीम पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे आ जाएगी। जी हां दोस्तों, यूपी योद्धा की टीम नंबर 2 पे रहेगी। तो देखा जाए तो गाइस यहां पे यूपी योद्धा के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी की पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे आ जाए। एंड वहीं पर अगर यूपी योद्धा की टीम में मैच हार जाती है तो नंबर 7 ही पे रहने वाली है। बात की जाए पुनेरी पल्टन की, तो गाइस यहां पे अगर पुनेरी पल्टन की टीम में मैच जीती तो गाइस यहां पे पुनेरी पल्टन की टीम नंबर 10 से नंबर 8 पे आ जाएगी, जो यहां पे 2 पोजीशन की छलांग होने वाली काफी बड़ी बात है। एंड अगर हारती नंबर 10 से नंबर 10 ही पे रहने वाली है। तो गाइस यहां पे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का जो मैच है वो यहां पे कौन सी टीम जीत सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर कौन से 6 टीम जो यहां पे प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं। अभी कंडीशन देखा जाए कि कौन से टीम का सिनेरियो सबसे ज्यादा इजी निकल के आ रहा है, तो गाइस यहां पे सबसे पहले बात करते हैं टॉप की 2 टीम्स के बारे में। तो गाइस यहां पे टॉप की 2 टीम से पटना पायरेट्स एंड दबंग दिल्ली। अभी फिलहाल देखा जाए तो गाइस ये 2 टीम ही इजीली लगता है कि टॉप 2 में एंड कर सकती है। एंड बात की जाए बाकी के 4 टीम्स के, तो गाइस अब नंबर 3 से नंबर 6 के बीच में है यू मुंबा, बेंगलुरु बुल्स, हरियाणा स्टीलर्स एंड बंगाल वॉरियर्स। ये 4 टीम्स जो यहाँ पे नंबर 3 से नंबर 6 के बीच में एंड कर सकती है। एंड जो 6 टीम्स की लिस्ट है वो यहाँ पे डेली चेंज होते रहते हैं कंडीशन एंड सिनेरियो के हिसाब से, जो लिस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो गाइस ऐसा जो मैं अपने मन से ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, अभी देखा जाए तो पटना एंड दबंग दिल्ली की टीम इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है एंड क्वालीफाई करने के साथ ही टॉप 2 में भी एंड कर सकती है। बेंगलोर की टीम पिछले वीडियो में थी लेकिन यहाँ पे बेंगलोर की टीम हारती, टॉप 2 के लिस्ट से बाहर हो चुकी है। तो गाइस यहां पे आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम टॉप 2 में एंड करेगी एंड अदर्स की जो 3 से लेकर 6 के बीच में जो टीम होगी वो यहां पे कौन सी टीम हो सकती है भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस हो गई पैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।